My name is Dr. Ravi Shekhar Jha and I'm working as a senior pulmonologist at Fortis Hospital, Faridabad. Recently, coronavirus ke ek strain Delta Plus variant ko variant of concern declare kiya gaya hai. Delta Plus variant kya hota hai, isko variant of concern kyun declare kiya gaya hai, iske symptom kya kya hote hain. Basically, coronavirus notorious hai ki ye har ek RNA virus ki tarah kafi tezi se mutate karte rehta hai. म्यूटेशन का मतलब वायरस अपने आप अपने स्ट्रक्चर में चेंज लाते रहता है जो उसको ह्यूमंस को या जो भी उसके होस्ट सेल्स हैं उसके अंदर अटैच होने में हेल्प करता है. तो डेल्टा प्लस वेरिएंट एक इस तरह का वेरिएंट है जिसके अंदर स्पाइक प्रोटीन के अंदर कुछ म्यूटेशन हो चुकी है जो आपके होस्ट सेल के अंदर अटैच होने में काफ़ी स्ट्रांगली अटैच होता है. और इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर करने का मेन रीज़न ये है कि ये वेरिएंट बहुत कंटेजियस है. कंटेजियस का मतलब कि एक से दूसरे को बहुत तेज़ी से फैलता है. इससे बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए? नाउ सिंस इट इज़ वेरी कंटेजियस तो हमारे जो प्रिकॉशन थे, नॉर्मल प्रिकॉशन जो हम कन्वेंशनल कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के टाइम पे लेते थे, वो प्रिकॉशन हमें और भी ज़्यादा ज़रूरी हैं कि हम लें. हमें घरों के अंदर ही रहना चाहिए जब तक कि बहुत ज़रूरी ना हो, बाहर ना निकले. मास्क, सैनिटाइजेशन, ये सब अभी तक आप लोगों को पता चल चुका है. लेकिन साथ साथ में आपको ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, हाई प्रोटीन डाइट लेते रहें और कभी भी जब तक आपको बहुत ज़रूरी ना हो सोशल गैदरिंग से बचें. नाउ इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? बेसिकली डेल्टा प्लस वेरिएंट स्ट्रेन का भी ट्रीटमेंट नॉर्मल कोरोना वायरस की तरह सपोर्टिव केयर ही होता है. जब आप इसके कफ, कोल्ड, कोराइजा, बॉडी एक इस तरह के सिम्टम लगते हैं, वायरल फीवर के सिम्टम लगते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए. वो देख के आपको बताते हैं कि आपको कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है कि नहीं. सबसे पहला काम, जैसे ही आपको सिम्टम आया, खुद को आपको आइसोलेट कर लेना चाहिए. खुद को आइसोलेट करने के बाद आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो आपको आगे के सारे प्रोटोकॉल समझा देंगे. किसी भी तरह के डरने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने सारे प्रिकॉशन लिए हैं, अगर आपका न्यूट्रिशन इनटेक ठीक है, तो डेल्टा प्लस वेरिएंट इसके आगे के कोई भी वेरिएंट से हम अच्छी तरह से फाइट करने में कंपेटेबल होंगे. थैंक यू.